गाइस जियो कंपनी मार्केट में अपना पूरी तरीके से दबदबा बनाने के लिए हर चीज में वो हाथ आजमा रही है, और वो चाहे जो भी कभी फोन लॉन्च करती है, कभी जियो एयर फाइबर लॉन्च करती है जो कि बिना फाइबर के ही चलेगी, और या फिर कभी कुछ और लॉन्च करती है। वैसे में दोस्तों इसका नया एक लॉन्च होने वाला है जियो बुक। ये दोस्तों एक लैपटॉप है जो कि क्लाउड बेसिस का होने वाला है। तो दोस्तों जियो कंपनी जब भी कुछ लेकर के आती है लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये चीज बहुत ही सस्ते में प्रोवाइड कर देती है लोगों को। पहले इसकी लत लगाती है, फिर इसके बाद दोस्तों इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि जियो का नेटवर्क है, दोस्तों जियो 2016 में जब भी लॉन्च किया गया था, ये 3-3 महीने करके 2 बार 6 महीने तक लगातार लोगों को फ्री में डाटा प्रोवाइड कराया था। लोग इस पे काफी ज्यादा आ गए थे, इसका इंटरनेट स्पीड देख करके लोग काफी चौंक गए थे, और बहुत ही तेजी से ये जो है कि इसको लेना पसंद कर रहे थे लोग। उस समय दोस्तों टेलीकॉम इंडस्ट्री में पूरी तरीके से एकदम हाहाकार मच गया था, और सारी कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई थी। इनफैक्ट कुछ कंपनियां जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री से अपना बाय बाय करके बोरिया बिस्तर बांध करके निकल चुकी थी। सिर्फ 2 कंपनी प्राइवेट सर्वाइव ही कर पाई है, एक एयरटेल, दूसरा वोडाफोन, तीसरा दोस्तों जो था वो सरकारी कंपनी थी BSNL। अब दोस्तों जियो एक नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च करने जा रहा है जियो बुक। ये जो है एक लैपटॉप होने वाला है। इसकी जो प्राइस मानी जा रही है दोस्तों मात्र 16,499 रुपए है। बैंक ऑफर वगैरह मिला के आपको मात्र 15,000 रुपए में मिल जाने वाला है, यानी काफी सस्ता होने वाला है। ये क्लाउड बेस्ड एक लैपटॉप होगा, इसमें बहुत ही सारी चीजें कम होने वाली है, और ये एक हल्का लैपटॉप होगा जैसे कि आप क्रोमबुक यूज करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ये है, और ये इस साल के लास्ट तक ही कंपनी दावा करे कि हम लॉन्च कर देंगे। और ये कंपनी जो लॉन्च करी दोस्तों ऑलरेडी एसर और जो कि HP के साथ मिलकर ये लैपटॉप को बना रही है। अगर बात करें जियो बुक के स्पेसिफिकेशन के बारे में दोस्तों, तो जियो कंपनी की तरफ से अभी कोई भी इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इसमें प्राइसेस हैं, और कितनी चीज की स्क्रीन होगी, कैसा कीबोर्ड होगा, अभी कोई इसका लुक भी सामने नहीं आया है। इस वजह से दोस्तों ये जो है कि अभी सस्पेंस बना है कि इसका क्या स्टोरेज होगा, कितनी बड़ी साइजेस होगी, कितना बड़ा या छोटा होगा या बड़ा होगा या टैबलेट की तरह होगा, अभी दोस्तों इस पे सस्पेंस बरकरार है। वैसे दोस्तों सिर्फ ये कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि जियो बुक के नाम से एक लैपटॉप जारी कर रहे हैं जिसकी एक्चुअल प्राइस 16,499 रुपए। बैंक ऑफर वगैरह लगा करके आप लेते हैं तो मात्र 15,000 रुपए में ये आपको लैपटॉप। अगर कोई नॉर्मल लैपटॉप भी आप लेने जाते हैं मार्केट में तो भी उसकी प्राइस जो है 50,000 रुपए से ऊपर की होती है, लेकिन दोस्तों जियो बुक जो आ रहा है ये 16,499 रुपए में आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, ये क्लाउड बेसिस लैपटॉप होने वाला है। इसमें स्टोरेज कुछ भी नहीं रहेगा, सारा कुछ क्लाउड बेसिस में होने वाला है जैसे दोस्तों क्रोम बुक काम करता है। तो गाइस ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और टेक्नोलॉजी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और पे क्लिक करना ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।